अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक और खूब मज़े में होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत इजी राजमा की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसके लिए आपको दो दो प्याज चाहिए। ये देखिए, मैं प्याज को छोटा बिरका लिया था और इसमें तो मैंने 1.5 खाने के चमचे ऑयल डाला था। इसको भी थोड़ा सा मैंने सौते किया था और फिर मैंने इसमें टमाटर डाल दिया। टमाटर डालने के बाद इसमें मैंने नमक, मिर्च, हल्दी, इसमें जायका ऐड कर दिए थे और इसको थोड़ी देर के लिए भुना शुरू कर दिया था। ये देखें, जब हमारा प्याज भुन चुका था, जो राजमा मैंने ये भिगो के रखा था बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका था, मैंने इसमें डाल दिया था। और फिर मैंने इसमें गार्लिक जिंजर पेस्ट ऐड कर दिया। फिर मैंने गरम मसाला और सूखा धनिया डाल दिया था। ये देखिए, अब राजमा जो था भुना शुरू हो चुका था, इसका कलर चेंज होना शुरू हो चुका था। ऐसे ही हमने इसको 10 मिनट तक पकाना है, अच्छी तरह भुनना है। जब ये भून जाए, आप इसमें थोड़ा सा थोड़ी सी हरी मिर्ची और हरा धनिया ऐड कर दें। मेरे पास मिर्ची नहीं थी तो मैंने सिर्फ हरा धनिया ही ऐड किया था। ये देखें, हमारा राजमा जो है बिल्कुल भून चुका था। अब मैंने इसके में 2 कप पानी के ऐड कर दिए थे। पानी को ऐड करने के बाद फिर मैंने इसको थोड़ी देर के लिए पकाया था। ये देखें, हमारे राजमा की ऐसी शक्ल आई है। प्लीज़ मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।